हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू दीपिका व्लॉग्स। मेरे चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत है तहे दिल से। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक ट्राई ऑन हॉल। मैंने बहुत सारी चीजें ऑर्डर की हैं अपने लिए, समर्स के लिए कुछ शॉपिंग की है, कुछ मीशो से, कुछ अमेजोन से, कुछ फ्लिपकार्ट से, कुछ मिंत्रा से। मैं ऐसी चीजें मंगवाती रहती हूँ जहां से मुझे पसंद आती है, तो वो ही ट्राई ऑन हॉल आज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप आपको पसंद आएगा। सारी चीजें जो हैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं मैंने, जाके जरूर आप चेक कर लेना। कोई भी आइटम आपको अच्छी लगती है तो आप वहां जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज इसी टॉप की जो मैंने आज वेयर किया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा सा रेयॉन कॉटन में एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का टॉप है, काफ्तान स्टाइल, आपको एज अ शॉर्ट ड्रेस भी आप इसे बोल सकते हो। साइड पे आपको इमेज दिख जाएगी एंड पूरा वीडियो ट्राई ऑन लगा दूंगी कि किस तरीके की लुक आ रही है। फैब्रिक क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई यहाँ पे, जो इस तरह से नेक आएगा, वी नेक आएगा, यहाँ पे डिटेलिंग आ जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो। इस तरह से काफ्तान इसकी स्लीव्स आएंगी दोनों तरफ से एंड यहाँ पे एक आपको बेल्ट भी दी गई है जिसे आप वेयर कर सकते हो। और जो इसका फ्रंट का नया पोर्शन है ना गाइस, ये आप पिक्चर में या वीडियो में देख रहे हो, इस तरह से ना शेप है, वी शेप में बनाया हुआ है। तो लुक मुझे इतना अमेजिंग लगा और कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका, तो ये मैंने परचेज किया है मीशो से गाइस। मुझे इसकी क्वालिटी एंड इसकी फैब्रिक क्वालिटी, डिजाइन, स्टाइल, फिटिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी है, तो मेरी तरफ से है इसे बड़ा सा थम्स अप। और ये काफी अफोर्डेबल कैटेगरी से मैंने पिक किया था, आई गेस 700 या 800 के बीच में ये मुझे टॉप पड़ गया था। काफी अफोर्डेबल लगा क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी वाली आई है, तो इसे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मीशो का जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसी लिंक से अगर आप मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पे 30% तक का ऑफ भी मिल जाएगा। तो गाइज फर्स्ट है ये वाला आइटम जिसे आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। उसके बाद गाइज मैंने मीशो से ही एक और आइटम परचेज की है, वो है ये वाला ज्वेलरी बॉक्स। अब क्या है ना गाइज, मेरे जो ज्वेलरी में इयररिंग्स या जो भी मेरे पास डेंटी ज्वेलरी अवेलेबल है ना, उसके लिए ना मेरे पास, मैंने एक पूरा ड्रॉर ऑर्डर किया हुआ, मेरे पास छोटा सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर भी है, लेकिन वो भी कम पड़ जाता है गाइज, मजा नहीं आता उसके अंदर स्टोर करने में। मतलब कहीं कहीं मैं इयररिंग्स अपने किसी रैप करके किसी एनवलप में रख देती हूँ, कभी किसी कैरी बैग में रख देती हूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से इयररिंग्स हैं कभी कभी। सो मैंने इसे ऑर्डर किया है, इसके अंदर इस तरीके से ना आपको प्लास्टिक का ये कंटेनर बॉक्स आएगा, पूरा स्टोरेज कंटेनर, और इस तरीके से आपको इस तरीके के तीन आपको बॉक्स कैटेगरी मिल जाएंगे, इस तरह के वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एंड इसमें ना कलर ऑप्शन भी है आपके पास, व्हाइट का और पिंक का, दो कलर ऑप्शन है, आप जो भी पिक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे पास ये पिंक आया है एंड ये इस तरीके से निकल जाता है, तो अगर आपकी कोई ज्वेलरी है जो बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब इतने स्पेस में नहीं आ रही, तो आप इसे निकाल करके यहाँ पे उसे स्टोर कर सकते हो। सो देखते हैं गाइज, और ये बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा, और ये जो ये क्वालिटी है प्लास्टिक की ये भी काफी अच्छी है और काफी सही रेंज में मुझे मिल गया, मतलब अंडर 200 मुझे ये पूरा का पूरा मिल गया है। तो इसे मैं जरूर ऑर्गेनाइज करूंगी अपनी ज्वेलरी को, और इसे जब ऑर्गेनाइज करूंगी डेफिनेटली आपके साथ भी एक बार ब्लॉग शेयर करूंगी। इसी बहाने मैं आपको दिखा भी दूंगी कि मेरे पास कौन कौन से इयररिंग्स है, कौन कौन सी ज्वेलरी कलेक्शन में है, जो आप लोग देखना चाहोगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट है ये वाला परचेज, ये भी मैंने मीशो से ही लिया है गाइज, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। जो नेक्स्ट परचेज है गाइज वो मैंने की है मिंत्रा से, और मिंत्रा से मैंने लिया है ये वाला टॉप। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इस टॉप में एक वीडियो शेयर की है, अभी लास्ट मेरे चैनल पे जो भी वीडियो गई थी उसमें आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने इसी को वेयर करके ही बहुत सारे रील्स भी बनाई थी और वो वीडियो भी मैंने शेयर की थी। इस तरीके से यहाँ पे नॉट आ जाएगी, इस तरीके का नेक होगा इसका, और इसे आप यहाँ पे नॉट बांध सकते हो। शर्ट आ जाएगी गाइज ये, और इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक आएगा, जॉर्जेट फैब्रिक काफी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे जो है अच्छे से बेल वाली जो पफी स्लीव्स होती हैं वो आपकी बन जाएंगी, और स्लीव्स के जो कॉर्नर पे ना इस तरीके के आपको डिटेलिंग आ जाएगी बटन्स के साथ, जो कि काफी अच्छी लगती है क्योंकि स्लीव्स काफी पफी वाली आएंगी और यहाँ से आपको फिट मिल जाएगा, तो बहुत प्यारा लुक बनता है इसका। सो इसका जो वीडियो है डालने के बाद ट्राई ऑन है वो भी मैं साइड पे लगा दूंगी। और इस तरीके से फ्रंट ओपन बटन की ये जो शर्ट आ जाएगी मुझे काफी पसंद आई। सबसे अच्छी बात मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है उसके अकॉर्डिंग काफी अफोर्डेबल मुझे लगा। और ये जो नेक पे जो इन्होंने पोर्शन दिया है ना, ये नोट वाला, इसे आप चाहे तो ओपन भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो इसे आप वैसे स्टाइल कर सकते हो, काफी सुंदर है। और आजकल ना इस तरह के टॉप्स काफी ट्रेंडी है, तो आप एक बार ट्राई जरूर करना। ये इसका बैक आ जाएगा गाइस, और ये ब्रांड है देसी गर्ल। मिंत्रा पे आप इस देसी गर्ल ब्रांड को सर्च कर सकते हो, उस पर काफी सारे आपको टॉप्स मिल जाएंगे इसी ब्रांड के, तो मुझे काफी पसंद आया है, इसके लिए मैं थम्स अप आपको दूंगी। और ये मुझे अंडर 500 मिल गया था गाइस, ट्रस्ट मी, इतना सस्ते में मुझे टॉप पड़ गया ना, मुझे बहुत पसंद आया है, आई लाइक द टॉप। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप भी चेकआउट जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
तो देखना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट गाइज, मुझे बहुत टाइम से एक व्हाइट जीन्स की रिक्वायरमेंट थी अपने लिए, तो मुझे व्हाइट जीन्स चाहिए थी, तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर ली, वो है ये वाली व्हाइट जीन्स। हर एक के वार्डरोब में, हर लड़की के वार्डरोब में ना एक व्हाइट जीन्स जरूर होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी डार्क कलर का टॉप है ना, व्हाइट के साथ ना आप कोई भी कलर पेयर कर सकते हो, ऑटोमेटिकली बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये मैंने मंगवाई है स्पाइकर की, वेस्ट है मेरी 30, तो मैंने इसे ऑर्डर किया था। मुझे ना क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी, फिट बहुत अच्छा आया इसका, जैसे कि आप साइड पर देख भी पा रहे होंगे, फिट बहुत अमेजिंग आया है। इस तरह से ये आ जाएगी, एंकल लेंथ जीन्स है ये और डेनिम है, और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड फिट तो है ही बहुत अच्छा, स्पाइकर ब्रांड है तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी। और सबसे अच्छी बात गाइज, मैंने इसे मंगवाया था मिंत्रा सेल में, मुझे ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ पे ये जीन्स मिल गई, तो मतलब जो भी प्राइस इसका था, आई गेस इसका 2000 रुपीज के आसपास एग्जैक्ट प्राइस था, MRP था, बट मुझे ये जीन्स मिल गई 1000 रुपीज में, ऑलमोस्ट 50% ही हो गया, 50-60% मुझे ऑफ मिला है इसके ऊपर, 1000 से भी कम में पड़ी है मुझे। तो गाइज ये जीन्स मुझे काफी अच्छी लगी है, मेरी तरफ से इसे भी थम्स अप है। अगर आप ट्राई करना चाहो अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली एक बार जाके जरूर ट्राई करना, आपको अगर अच्छा लगेगा तो मुझे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये वाला परचेज जो मैंने लिया है मिंत्रा से। उसके बाद गाइज मैंने लिया है अपने लिए एक और जीन्स, एक्चुअली आजकल ना वाइड लेग जीन्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, आजकल हर यूट्यूबर हर इन्फ्लुएंसर आपको वाइड लेग जीन्स में ही अवेलेबल मतलब दिखाई देता है। सो मैंने इस बार ये ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम मैं वाइड लेग जीन्स ट्राई करूँ, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था। रिवर ऑफ डिजाइन करके एक ब्रांड है, इसका मैंने ट्राई किया है फर्स्ट टाइम, ये ब्रांड मैंने पहली बार ट्राई किया है। और मैं अगर बात करूँ ना आपको क्वालिटी की, इतनी अमेजिंग क्वालिटी है ना, मतलब मुझे ब्रांड के बारे में मुझे श्योर नहीं था क्वालिटी कैसे आएगी, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये जीन्स का फ्रंट लुक आ जाएगा, इसकी जो ये ये आ जाएंगी पॉकेट्स आ जाएंगे साइड पे, ये इतनी लंबी ही पॉकेट दी हुई है अंदर तक, आप देख सकते हो यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ से नीचे से वाइड लेग आ जाएगा, और नीचे ये ना ब्लू कलर का ये बॉटम ऐड किया हुआ है डिफरेंट सा स्टाइल, इससे ना इसका लुक और ज्यादा प्यारा हो जाता है, आप देख सकते हो जीन्स को, और ये लाइट ब्लू कलर में आ जाएगी एज यू कैन सी, दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका लुक है ना, इसका ट्राई ऑन है, वो भी आप साइड पे देख सकते हो कि कैसी लग रही है वेयर करने के बाद। तो ये जीन्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, ब्रांड वाइज ब्रांड ने बहुत अच्छे से क्वालिटी प्रोवाइड किया, और जीन्स का जो प्राइस है ना वो under 1000 रुपीज है, ये भी मैंने सेल में ही परचेज की थी मिंत्रा सेल से, और मुझे काफी अफोर्डेबल पड़ गई गाइज, ऑलमोस्ट इसमें भी मुझे काफी अच्छा ऑफ मिल गया था, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसका भी। सो नेक्स्ट है ये वाला परचेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, मैंने अपने लिए ऑर्डर की है ज्वेलरी। मैं इयररिंग्स की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, इवन मुझे ना मेरे पास मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के इयररिंग्स कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है गाइज। सो मैंने एक और ट्राई कर लिया, मतलब जितने भी हो उतने कम है बेसिकली। सो मैंने इस बार ट्राई किया है ये वाले ऑक्सीडाइज इयररिंग्स, जैसे कि आप देख सकते हो गाइज कितने सुंदर से ये झुमके हैं, एज यू कैन सी कैसे लग रहे हैं, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ, और वेयर करने के बाद कैसी लुक आ रही है वो भी आपको साइड पे डिस्प्ले कर दूंगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग लगी गाइज। ये भी मैंने जो ऑर्डर किए हैं ना, ये भी मैंने ऑर्डर किए हैं मीशो से। मीशो पे ना इस तरीके की ज्वेलरी, ये ब्लैक मेटल में, मतलब मेटल टाइप में ही है ये, ऑक्सीडाइज में ब्लैक कलर की ज्वेलरी है, इतने अच्छे लगते हैं ना इयररिंग्स मीशो पे, आपको ढेरों वैरायटी मिल जाएगी। देखो इसके साथ भी कितने सही जा रहे हैं ये वाले इयररिंग्स, मैं आपको साइड पर ट्राई ऑन दे दूंगी, बहुत ही अमेजिंग से है। और देखो गाइज इसका कलर देखो कितना प्यारा है, साइड यहाँ पे ना नीचे डिटेलिंग आ जाएगी, इस तरीके से व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, और इतना अच्छा साइज दिया हुआ है ना, बड़ा साइज है, मुझे लगा था छोटे छोटे से आएंगे, बट ये काफी अच्छा साइज दिया हुआ है। एंड गाइज इसका जो वेट है ना बिल्कुल भी नहीं है, लाइट वेट है, वेयर करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कुछ पहना हुआ, इतने लाइट वेट है, मुझे काफी अच्छे लगे। तो नेक्स्ट है ये वाला परचेज, इन्हें भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इस सेलर के पास बहुत अमेजिंग सी इयररिंग्स की कलेक्शन है, आप इस सेलर को भी ट्राई करना, शायद आपको और भी कुछ वहां पे पसंद आ जाए। तो गाइज ये था मेरा छोटू सा ट्राई ऑन हॉल, होप आपको पसंद आया होगा, इनमें से कोई भी चीज आपको अच्छी लगी है, कोई भी चीज आप परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइज वीडियो कैसा लगा आपको, किस तरह की वीडियो आपको अपने मेजी चैनल पे देखना पसंद है वो भी मुझे कॉमेंट करिएगा, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं लगी उसके लिए मुझे एक बार कॉमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी गाइज। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा गाइज, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो गाइज चलिए आज की वीडियो को यहीं पे करती हूँ, एंड मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।